हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज जो मैं बातें करूंगी वो अपनी कंसीव जर्नी है, प्रेगनेंसी जर्नी। तो जिन माओं को लग रहा है कि इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी वो प्रेग्नेंट क्या हो पाएंगी, उनके लिए ज़्यादातर ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो लास्ट में दो चार में टिप्स भी बताऊंगी जो आपके काम आने वाला है, जो अभी माँ बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए है। तो ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक्चुअली क्या होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह पेशेंट को डरा देते हैं और इस डर में हम लोग भी पीछे हट जाते हैं चार कदम और बहुत ज़्यादा टेंशन, दिक्कत भरा माहौल हो जाता है जिसमें कि प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल होता है। प्रेग्नेंट होने के लिए आपको सबसे ज़्यादा अंदर की फुर्ती वो चाहिए होती है जो कि डॉक्टर उनको रहने ही नहीं देते। डॉक्टर हजारों टेस्ट वगैरह, इतनी सारी दवाई सब देकर जो है उनको टेंस कर देते हैं एक लड़की को। तो चलिए देख लेते हैं आगे की जर्नी। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा ये जो प्रेगनेंसी का जर्नी अगर आप लोगों के साथ मैच करता हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। सबसे पहले जब आप चाहते हो कि आप अभी कंसीव करना चाहते हो तभी हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम जब जो कुछ चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है कि तभी हो जाए। तो मेरा जो प्रेगनेंसी प्लानिंग था वो प्रेगनेंसी प्लान किया था, मेरी जो एक पहले बेटी है 7 प्लस की है शायद, हाँ 7 प्लस की है। तो उसके बाद सेकेंड बेबी में हमारा जो है प्लान था। तो उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आई, जिनको भी सेकेंड बेबी प्लान में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही होंगी तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हम जब प्लान करते हैं जो चीज़ वो हमेशा से हमारे प्लान के मुताबिक हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सम इश्यूज शुड बी लेफ्ट विद द गॉड। कुछ चीज़ें हमें ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, उन्हें जब जो मंजूर होगा तभी होगा हमारे साथ। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। तो आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो मैं पहले साल की बात कर रही हूँ 2019 की, जब हमने भी प्लान किया था। एक्चुअली मेरी बेटी के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, घर में अकेली कोई खेलने वाला नहीं था। तो हमेशा से वो पड़ोस में देखती है भाई बहन, कुछ भी ऐसा सिबलिंग्स होते ही हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी तो हमें भी ज़रूरत पड़ा। तो हमने भी प्लान किया। तो रमज़ान महीना था 2019 का रमज़ान महीना, तो हमें लगा कि चलो हम प्लान के मुताबिक जैसा था। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि पीरियड नहीं आएगा। पीरियड के टाइम जब आया तो मेरा पीरियड जैसा रेगुलर होता था वैसा ही हो गया। टाइम के एक दिन आगे पीछे कभी नहीं होता, टाइम टू टाइम ही होता है। तो मेरे पीरियड में कोई मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आई, पेट दर्द वगैरह कुछ भी नहीं, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। तो बहुत ही नॉर्मल सा पीरियड होता था मेरा। तो नहीं आया तो बहुत ज़्यादा हताश हो गई मैं, बहुत ज़्यादा निराशाजनक परिस्थिति हो गया था। मतलब किसी चीज़ का बहुत इंतज़ार कर रहे थे, क्या हुआ, मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है कि कंसीव ना हो तो फिर क्या हो गया ऐसा कुछ। तो वो महीना गुजर गया वैसे ही। उसके बाद नेक्स्ट महीना फिर ट्राई किया, उसके बाद नेक्स्ट महीने में भी फिर इंतज़ार की पीरियड नहीं आया, फिर से वही पीरियड आ गया। तो पीरियड टाइम टू टाइम आ ही जा रहा है। तो अब सोचा मैंने कि चलिए डॉक्टर को दिखाते हैं। तो मेरी पहले वाली जो गायनो थी, जो मेरी बेटी के टाइम पे जो मेरी गायनो थी, तो मैंने उसको दिखाने का फैसला किया। तो मैं एक बार गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे हजारों सवाल पूछे, जैसे कि नॉर्मली पूछते हैं कि आपका थायराइड है कि नहीं। ये तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माओं के लिए, थायराइड में तो प्रेगनेंसी कभी नहीं होती। तो थायराइड मुझे नहीं था, मेरा बॉडी देखकर बोल रही थी तुमको तो थायराइड कभी नहीं होगा, मतलब हो ही नहीं सकता। उसके बाद पीरियड में प्रॉब्लम, दिक्कत है, पीरियड नहीं आती या फिर रुक रुक के आती है या फिर टाइम टू टाइम नहीं आती, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो शायद इतने सालों के बाद
इसलिए नहीं आ रहा, ऐसा कुछ पूछकर मुझे बहुत सारे विटामिन्स दिए उन्होंने, मिनरल्स के दवाई, उसके बाद अच्छा खाने को जो प्रेग्नेंट महिला को खाने के लिए बोलते हैं, साग सब्जी फ्रूट्स वगैरह सारे प्रोटीन्स सब कुछ, तो दवाई लेके मैं आ गई। तो नेक्स्ट मंथ वही फिर से इंतज़ार, तो नेक्स्ट मंथ भी मैं इंतज़ार ही कर रही थी। नेक्स्ट मंथ इंतज़ार करने के बाद फिर से मेरा 8 तारीख का पीरियड आता था, सेम 8 तारीख को ही आ गया पीरियड, फिर भी निराशा, बहुत ज़्यादा दुख होता है अगर कोई माँ मतलब कंसीव के लिए इंतज़ार करती है ना, तो कितना ज़्यादा उनको दुख पहुँचता है, कितना हर्ट होती है, वो एक माँ ही जानती होगी और किसी को नहीं पता होगा, वो फीलिंग्स अलग ही होता है। तो फिर से पीरियड आ गया, फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि शायद नहीं होगा और क्या होगा कैसे होगा कुछ, इतने ज़्यादा टाइम बीते जा रहे हैं, मेरी बेटी भी जो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो और एक महीना ट्राई करते हैं, तो वो दवाई जो था मेरा 2 महीने का था, तो मैंने फिर 1 महीने वैसे ही ट्राई किया, तो इस महीने मुझे जो था पीरियड आने में थोड़ा सा लेट हुआ था, तो मैं तो खुश हो गई थी कि लेट हुआ मतलब शायद रह गया होगा ऐसा कुछ, तो मैंने कंसीव कर लिया होगा ऐसा कुछ लगा, तो मैंने किट वगैरह भी मंगा लिया था बाजार से, मैंने 3 किट मंगाए थे कि देखते हैं कब क्या होता है, तो 3 दिन लेट आने पर ही मैंने टेस्ट भी कर लिया। उत्साहित इतना ज़्यादा होते हैं ना हम माओं को प्रेग्नेंट जब होना चाहते हैं, तो टेस्ट भी करवा लिया, कुछ नहीं आया, बस एक ही लाइन आया था जो नेगेटिव बता रहा था, तो नेगेटिव ही था, तो मैंने कहा शायद और 4-5 दिन इंतज़ार करते हैं, तो और 4-5 दिन इंतज़ार किया, बस मेरा पीरियड जो था वो आ गया। पर इस बार जो पीरियड आया था ना बहुत ज़्यादा पेन के साथ, ऐसा कभी नहीं होता, दवाई खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन के साथ पीरियड आ रहा था, और बहुत ही ब्लैक ब्लैक सा, मतलब रेड कलर का नहीं था, वो डीप रेड था एकदम ब्राउन टाइप का, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि क्या हुआ ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने सोचा चलो फिर नेक्स्ट मंथ जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मैंने वैसा ही किया। तो रमज़ान महीना चला गया, ईद भी चला गया, उसके बाद महीना भी चला गया, तो फिर से मैंने डॉक्टर के पास कंसल्ट किया, फिर मैं अपने गायनों के पास गई, मैडम को मैंने अच्छे से बताया कि ऐसा हो रहा है, मुझे पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे तो पहले पेन कभी नहीं होता था, तो मैडम ने कहा कि दवाई खाने की वजह से शायद हो रही है, तो फिर उसने उन्होंने जो था मेरा दवाई सब बदल दिया, अलग अलग दवाई दे दी, और मुझे कहा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कहा कि HSG जो टेस्ट होता है वही करवा के देख लो, ये टेस्ट में एक्चुअली हमारा जो 2 फिलोपियन ट्यूब होता है उसमें कहीं वो ट्यूब कहीं बंद तो नहीं है, कहीं ब्लॉक तो नहीं है, ये देखने के लिए वो टेस्ट जो होता है वो मशीन में भी होता है एक्चुअली, और हाथों से भी किया जाता है, तो मैंने अपने रिलेटिव से वो टेस्ट के बारे में पूछा, जब मैंने पूछा मुझे बहुत ज़्यादा डर गई मैं कि नहीं मुझे ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहे कुछ हो या ना हो, तो मैडम ने जब वो बात कहा तो मैं फिर से दवाई लेके घर आ गई। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि यही कहा मैडम ने, तो फिर से मैंने टेस्ट के बारे में सोचा, और मेरी एक कज़न सिस्टर है जिन्होंने कहा कि ये टेस्ट करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सबका ही ट्यूब जो होता है ब्लॉक्ड होता है, वो किसी किसी का होता है जिसके पेट में बहुत ज़्यादा चर्बियाँ होती हैं उनकी, तो मेरा तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं था चर्बी होने का, तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं हूँ, और मेरा मिडिल पार्ट फैट नहीं है, टमी नहीं दिखता है, तो मैं ये टेस्ट करवाने के बारे में एकदम से भूल गई, मुझे ये करवाना मतलब मुझे करवाना ही नहीं था। तो मैडम को मैंने कहा मैडम नहीं मैं और 6 महीने देखूंगी फिर मैं सोचूंगी कि ये टेस्ट मुझे करवाने हैं या नहीं, तो मैडम ने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं आ गई, फिर वही दवाई खाई एकदम रेगुलर से, एकदम ऐसे तो दवाई लोग कभी कभी भूल जाते हैं पर मैं तब नहीं भूली, एकदम रेगुलर टाइम टू टाइम दवाई खा रही, एकदम अच्छे से अपना ख्याल रख रही थी,
कि नेक्स्ट महीना फिर मैंने बहुत इंतज़ार के बाद मुझे लगा कि शायद इस महीना हो जाएगा। फिर उस महीना भी जो था मेरा 2 दिन लेट आया था, तो फिर खुशी आ गई थी थोड़ी। 2 दिन के बाद देखा मैंने कोई सिम्टम्स नहीं। पहले से भी कुछ सिम्टम्स जो है पहले से भी आते हैं माओ को, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा सर्च किया था तो कुछ भी सिम्टम्स नहीं आए। बस थोड़ी सी कमज़ोरी थकान ऐसे तो पीरियड से पहले आते ही है हर लड़की को, तो बस वही सेम सा था। फिर मेरा पीरियड जो है हो गया। अब जो मैं बिल्कुल ही निराश हो गई थी, मुझे अब लग रहा था शायद नहीं होगा। तो ऐसे बहुत माओं के साथ होते हैं, तो आप निराश मत होइए, बस खुश रहना चाहिए। तब ना बहुत ज़्यादा टेंशन भरा माहौल होता, अंदर ही अंदर हम बहुत टेंशन ले लेते हैं और पूरे दिन फ़ोन में सर्च करते रहते हैं कैसे प्रेग्नेंट हो जाए, हुआ जाए कैसे प्रेग्नेंट। हर एक डॉक्टर की सलाह सुनते थे, सब कुछ यही सब करते करते इनको भी फॉलो कर रहे थे और डॉक्टर को भी फॉलो कर रहे थे, पर परिणाम कुछ भी नहीं हुआ। वैसे फिर मैंने सोचा कि आई नो किट जो आता है जो ओवुलेशन दिखाता है कब आपका ओवुलेशन, मुझे लगा कि शायद ओवुलेशन के टाइम पे इंटरकोर्स नहीं हो रहा इसलिए शायद ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने ओवुलेशन की किट मंगाई। ओवुलेशन के 5 स्ट्रिप आते हैं उसमें, तो 5ों ही मैंने ट्राई किए, किसी में भी मुझे पिंक 2 लाइन नहीं दिखे। तो ओवुलेशन का डेट मुझे पता ही नहीं होता था, तब तो ये सब कुछ पता नहीं होता, फ़ोन में सर्च करके पता चलता था। तो ओवुलेशन नहीं आया मुझे। उसके बाद मैंने फिर ओवुलेशन जो एक ऐप्स होता है उसको फिर डाउनलोड किया कि पता चल जाए किस महीने कब ओवुलेशन हो रहा था। तो ये सब करते करते तकरीबन 6 महीना गुजर गया था। तो फिर एक दिन मुझे पीरियड आने थोड़ा सा लेट हुआ, थोड़ा सा मतलब 5 दिन लेट हो गया। तो मुझे लगा शायद मैंने कंसीव कर लिया। फिर मैंने किड अचानक से किड निकाला और टेस्ट करवाया, देखा कि उसमें भी नेगेटिव। मुझे लगा तब सिम्टम्स भी सारे आपको वही लगने लगेंगे कि सिम्टम्स भी वही है, वही थकान, कमज़ोरी, मुंह में फीकापन, सब कुछ वही से सिम्टम्स थे। तो मुझे फिर लगा कि शायद हो जाएगा नहीं। अभी 4 दिन हो गया और 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, एक्चुअली 1 हफ्ते बाद ही करते हैं टेस्ट। तो मैंने कहा 1 हफ्ते बाद करूँगी। फिर मैं 1 हफ्ते का इंतज़ार करने लगी और 3 दिन का, 3 दिन बाद फिर से मैंने वही नेगेटिव। तो अब मैंने सच में आशा सारी छोड़ दी थी कि नहीं अब होगा, शायद नहीं होगा, HSG जो टेस्ट है वही मुझे करवाना पड़ेगा। तो मैं और डॉक्टर के पास भी नहीं गई, क्योंकि डॉक्टर के पास ज़्यादा फिडअप हो जाना पड़ता था, तो डॉक्टर के पास भी मुझे नहीं जाना था। मैंने कहा चलो ऐसे ही नॉर्मल काट लेते हैं ज़िंदगी। उसके बाद फिर मैंने अपना सीविंग का काम शुरू कर दिया, सिलाई वगैरह यही करती थी, अपने सारे कपड़े वगैरह मैं खुद सिलती थी, मटेरियल्स खरीद के खुद सिलना, बच्चों का यही काम में व्यस्त हो गई थी, बच्चे की पढ़ाई, हस्बैंड का काम, घर का काम, यही सब काम में लग गई थी। मैं बिल्कुल ही भूल गई प्रेगनेंसी के बारे में। फिर भी कहीं ना कहीं इंतज़ार रहता था कि शायद इस महीने पीरियड नहीं आएगा, ऐसा इंतज़ार हर माँ को रहता है। तो ये इंतज़ार भी मुझे था, पर मैं दिमाग से उसको बिल्कुल हटा दिया मैंने। बस घूमना फिरना, खुश रहने लगी और खाना पीना अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना अच्छे से अपना ख्याल रखने लगी। उसके बाद ऐसे करके 7-8 महीने बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। फिर मैंने सोचा, फिर बहुत से लोग, रिलेटिव्स वगैरह सब कहने लगे कि होम्योपैथी जो दवाई होती है उसको एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि टाइम तो बीता जा रहा है, मेरी बेटी भी जो है 8 साल की होने वाली है। तो मुझे लग रहा था शायद सच में बहुत ज़्यादा लेट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि तब शायद मेरा 9-10 महीना गुजर गया था उसके बाद। हाँ, तो मैंने फिर सोचा कि चलो एक बार दिखा ही लेते हैं होम्योपैथी। तो एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए, दवाई भी मैंने लाई, उन्होंने कहा कि 6 महीने में ही आप कंसीव कर लोगे। तो मैं बहुत खुश थी, मैंने दवाई लाई। एक्चुअली होम्योपैथी के ऊपर मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप इतनी बार आते हो बच्चे को लेकर, आप पहले क्यों नहीं बताए।
तो मैं पहले ही आपको दवाई दे देता। तो उन्होंने दवाई दी, मैं वो बिल्कुल रेगुलर से नहीं खाया मैंने। सुबह खाली पेट तो खाने के बाद खा लेती थी, गर्म पानी तो कभी ठंडे पानी में खा लेती, ऐसा कुछ होता था। मतलब विश्वास ही नहीं था तब, जो है बहुत ज़्यादा टूट गई थी मैं, दिल बहुत ज़्यादा दुख गया था कि शायद नहीं होगा। पर एक्चुअली देखा जाए तो मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही खाने की। मैं बच्चे इतने दिन इतने बड़े हो गए, मैं बिल्कुल ही फिट थी, और मुझे थायराइड वगैरह, शुगर, ब्लड प्रेशर हाई, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, पीरियड का भी प्रॉब्लम नहीं था। तो अब मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी। तो हाँ, मेरे गायनों ने मुझे ये भी बताया था कि अपने हस्बैंड का टेस्ट करवा लो। मुझे लगा ये शायद ज़रूरी ही नहीं है, डॉक्टर्स जो होते हैं सच में डॉक्टर्स हजारों टेस्ट आपको बोलते रहेंगे, आप बिल्कुल भी मत सुनना। अगर हाँ बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो आपका तो आप सुन सकते हो। तो छोड़िए बात, उसके बाद जो है मैंने होम्योपैथी दवाई लाई, बस रेगुलर से मेंटेन नहीं किया, एकदम ही नहीं किया। तो फिर कुछ भी नहीं हुआ, वैसे जैसा का वैसे ही चला। फिर ऐसे गुजर गया 3-4 महीना, मैंने देखा, पर इंतज़ार तो था कि पीरियड नहीं आएंगे नहीं। तो लॉकडाउन गिरा हमारे यहाँ शायद मार्च में लॉकडाउन आया। तो लॉकडाउन के पहले महीने ही एक्चुअली मैंने कंसीव कर लिया था। तो जब लॉकडाउन गिर गया उसके बाद मेरे जो अर्ली सिम्टम्स थे, मुझे सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगे, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेस्ट में सेंसिटिविटी, उसके बाद थकान, नोजिया, बस वोमिटिंग नहीं था। वोमिटिंग पहले पहले नहीं होता, अर्ली प्रेगनेंसी, उसके बाद होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये शायद प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। डॉक्टर की दवाई नहीं खाई, तो फिर ऐसे करके कितने महीने फिर गुजर गए। फिर सोचा कि फिर एक बार जाते, फिर एक बार गए डॉक्टर के पास लॉकडाउन से पहले, जो इस साल जो लॉकडाउन गिरने वाला था ना, मार्च में शायद लॉकडाउन आया, तो फरवरी में शायद मैंने दवाई खाई फिर से। तब रेगुलर खाया था एकदम, कि नहीं हो सकता है, तो मैंने रेगुलर खा लिया ऐसे ही, कोई कुछ सोच कर नहीं कि प्रेग्नेंट होना है। मतलब तब जो है आपके दिल से सारे अरमान निकल गए, तब की बात बोल रही हूँ मैं। तो खा लिए, उसके बाद जब मार्च में लॉकडाउन गिरा ना, तो उस महीने ही जो है मैंने कंसीव कर लिया था। तो मुझे सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगे थे। तो मैंने एक दिन फिर से मैंने किट मंगवाया, मेरे पति ने कहा फिर से कि तुम बेकार में ही ऐसे किट में टेस्ट कर करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं अभी देखते हैं क्या। हर सुबह को मैं सिर्फ सो रही थी और मुझे खड़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो यही सिम्टम्स ही तो होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के। तो मैंने फिर सोचा कि चलो किट मंगाते हैं। फिर एक किट मंगाया, जो मेरा किट था वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने सुबह, हाँ मैंने शाम को मंगाया था, मुझे लगा शाम को ही टेस्ट कर लेते, फिर कहा क्या होगा टेस्ट करके वही नेगेटिव आएगा। तो मैंने कहा चलो, 8 दिन हो गए थे शायद, नहीं 8 दिन नहीं, 1 हफ्ता हो गया था शायद, 7 दिन हो गया था। तो मैंने सुबह को उठ कर ही जो है टेस्ट किया यूरिन, तो बोलते अर्ली मॉर्निंग का एकदम जो है यूरिन टेस्ट करना चाहिए। तो मैंने भी इंतज़ार किया, सुबह तक का इंतज़ार बहुत दुखदायक था। तो सुबह को मैंने जो टेस्ट किया, रिजल्ट पॉजिटिव आया। मैं अंदर से इतनी ज़्यादा खुश थी, सच में। आप डॉक्टर की बात सुनोगे ना, ये करवा लो वो करवा लो, मुझे लगा मेरा फिलोपियन जो ट्यूब है वो ब्लॉक कैसे होगा। अगर अंदर ज़्यादा फैट नहीं जमा तो वो ब्लॉक होने की बात ही नहीं है। वो करवा कर अपनी परेशानी बढ़ाना, अपने आप को पेन देना, ये सभी होगा, और पैसे खर्च करना। मैंने नहीं करवा के बहुत समझदारी की काम की थी। तो मेरा जो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, तो मैंने मेरे हस्बैंड को किट दिखाया, बहुत ज़्यादा खुश थे। पर ये खुशी शेयर करने के लिए कोई भी नहीं था, लॉकडाउन था और ना ही कोई डॉक्टर मिला मुझे दिखाने के लिए। पॉजिटिव होने तक कितना दुख, फिर पॉजिटिव होने के बाद भी दुख, क्योंकि डॉक्टर नहीं मिल रहा था।
और 2 महीने 3 महीने ऐसे गुजर ही जा रहे थे। मैंने किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ मेरी एक दीदी को मैंने बताया था और मेरी एक फ्रेंड को। बताने का मन भी कर रहा था पर फिर भी सोच रहे थे कि 3 महीना जब तक ना हो कैसे बताएं, इतने दिन बाद रहा, कुछ अगर मिस्टेक वगैरह हो गया तो ये टेंशन में भी किसी को बताया नहीं मैंने। तो उसके बाद डॉक्टर मिलना भी मुश्किल था, फिर लग रहा था अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो, मतलब वो भी डर था क्योंकि मुझे जो है प्रेगनेंसी टेस्ट किट पॉजिटिव आने के बाद भी मुझे जो है 2-3 दिन थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ था, एकदम ब्राउन में, एकदम बहुत ही लिटिल बिट था वो, तो उसकी वजह से भी डर की। फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया वही कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम्स हो सकता है, फिर डर कौन से डॉक्टर को दिखाए। तब जो कोरोना, अभी कोरोना को कौन डरता है, अभी COVID-19 को कोई नहीं डरता है, सब बाहर निकल जाते हैं। तब जो है बहुत ज़्यादा डर आतंक फैला हुआ था कि कोई कहीं नहीं जा रहा था, डॉक्टर तो पेशेंट वगैरह देखते ही नहीं थे। तो तब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने देखा कि नहीं, वो होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा स्पॉटिंग होता है, तो फिर भी डर तो लगा रहेगा इतने सालों बाद, इतनी खुशी, इतनी बड़ी खुशी। तो फिर मैंने इंतज़ार किया 3 महीने, 3.5 महीने के बाद, शायद 3.5 महीने के बाद मैंने फिर मेरी वही गायनों को दिखाया। बहुत दूर, इधर से कम 100 किलोमीटर दूर गए थे हम लोग अभी फिर बाइक पे घर के, और मैडम ने कहा था बिल्कुल ही बेड रेस्ट, डॉक्टर बस ऐसे ही डरा देते हैं बेड रेस्ट, मुझे बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर भी मैंने डॉक्टर की सलाह मानी, जब खुशी आ गई है तो उसे फिर ऐसे गवा तो नहीं सकते ना, तो फिर बेड रेस्ट ले लिया मैंने। मतलब बेड रेस्ट मतलब क्या था, खाना वाना सब खड़े होकर बनाना, बैठना ज़्यादा जरूरी नहीं था, बैठने को मना किया था मेरे गायनों ने। तो मैंने वही गायनों को दिखाया, 2 बार दिखाया बस, तब मेरा एक USG हुआ, कहा कि बच्चा ठीक है, हार्ट बीट आ गया है, ब्लीडिंग पता नहीं क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सावधान बरतने से, सावधानी शायद ही ठीक हो जाएगी। तो यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी ना, इतना डर पर फिर कितनी खुशी। और सच में हमें डरना नहीं चाहिए, हमें प्रेग्नेंट होने के बारे में बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, ये बात दिमाग में ही नहीं रखना चाहिए, बस खुश रहिए। खुश रहने से अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, तो आप बेफिक्र होकर ट्राई कीजिए, ज़रूर हो जाएगा। और फिलहाल अभी तो मैं, मेरा जो है 3rd trimester चल रहा है, इसलिए मेरा मेरा सूरत शक्ल जो कुछ ऐसा हो गया है। तो यही थी प्रेगनेंसी मेरी जर्नी। तो मेरी बेटी सबसे ज़्यादा खुश है इसकी वजह से कि मम्मी, वो लड़की है तो उसे चाहिए भाई, मम्मी भाई, बस सबसे ज़्यादा कोई अगर खुश है तो मेरी बेटी खुश है। तो चलिए, कैसी लगी मेरी स्टोरी, अगर आपको ज़रा सा भी आपके काम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और आपको भी अगर ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो डोंट वरी, सब कुछ करने वाला ऊपर वाला है, हम लोग जब जो सोचते हैं वही होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें उन्हें तय करना होता है, ये जन्म हमारा, मृत्यु हमारा, विवाह, सब कुछ जो है ऊपर वाला तय करते हैं, उनकी मर्जी से ही होगा, तो बेफिक्र हो जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।